Everyone, welcome to MS English Gym. Today we will talk about 12th class English Bihar Board Prose Section Lesson 3. Topic का नाम है A Pinch of Snuff. Snuff का मतलब होता है खैनी, यानी एक चुटकी खैनी. A Pinch of Snuff. Okay, let's start. First question for you. Who wrote A Pinch of Snuff? आपके पास तीन ऑप्शन है, महात्मा गांधी, मनोहर मालगांवकर, शिगा नोया. और इसका सही आंसर है मनोहर मालगांवकर. ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वाज मनोहर मालगांवकर बोर्न इन, यानी मनोहर मालगांवकर कब पैदा हुए. आपके पास ऑप्शन है 1913, 1914, 1915. और इसका करेक्ट आंसर है 1913. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ, आपके पास तीन ऑप्शन है, नॉवल, पोएम, शॉर्ट स्टोरी. क्या लगता है आपको, क्या है ये? एक चुटकी खैनी यानी अ पिंच ऑफ स्नफ, नॉवल, पोएम, शॉर्ट स्टोरी. और इसका सही आंसर है शॉर्ट स्टोरी. ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. डॉट डॉट इज अ ह्यूमरस स्टोरी. आपके पास तीन ऑप्शन है, द आर्टिस्ट, द अर्थ, अ पिंच ऑफ स्नफ. ये जो ह्यूमरस स्टोरी है जिसे मजाक के अंदाज में बयान किया गया है, किससे लिया गया है, कौन सी कहानी की बात हो रही है यहाँ पे. द आर्टिस्ट, द अर्थ, अ पिंच ऑफ स्नफ. और इसका करेक्ट आंसर है अ पिंच ऑफ स्नफ. ओके, लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ, यानी इस कहानी में अ पिंच ऑफ स्नफ में मुख्य किरदार का रोल किसने निभाया है. आपके पास तीन ऑप्शन है, नानू काका, सोहनलाल रतिराम, मनोहर मालगांवकर. और इसका राइट आंसर है नानू काका. ओके, लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका's विजिट. आपके पास तीन ऑप्शन है, फादर, मदर, फ्रेंड. और इसका राइट आंसर है मदर, क्योंकि माँ ने ही अपने बेटे को इन्फॉर्म किया कि तुम्हारे मामा आ रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज कमिंग टू विजिट द नेटर्स फैमिली. आपके पास तीन ऑप्शन है, सोहनलाल रतिराम, नानू काका, रतिराम. यू आर राइट, राइट आंसर इसका क्या है, नानू काका. ओके, मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस. नानू काका वाज ऑथर्स. आपके पास ऑप्शंस है, ब्रदर, फ्रेंड, मैटरनल अंकल. राइट, इसका सही आंसर क्या है, मैटरनल अंकल यानी मामा. ओके, लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस. नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली. आपके पास तीन ऑप्शंस है, टू विजिट द रेड फोर्ट, टू स्पेंड द समर्स, टू सी सम मिनिस्टर्स, यानी लाल किला विजिट करने के लिए, या समर के छुट्टी बिताने के लिए, स्पेंड करने के लिए यहाँ पे, या फिर कुछ मिनिस्टर को, मिनिस्टर से मिलने के लिए. क्या लगता है आपको, कौन सा राइट आंसर है? इसका सही आंसर है टू सी सम मिनिस्टर्स. नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे थे, कुछ मिनिस्टर से मुलाकात करने के लिए. ओके, लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस. हु वाज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन होम नानू काका हैड प्लान टू मीट, यानी मिनिस्टर से मिलने के बाद सबसे ज्यादा सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन कौन थे जिससे नानू काका का प्लान था कि मुझे उससे क्या करना है, मिलना है. आपके पास तीन ऑप्शन है, द वेलफेयर मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर, द एजुकेशन मिनिस्टर. क्या लगता है आपको,
मैं बता दूं आपको, इसका राइट आंसर है द वेलफेयर मिनिस्टर। ओके लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नानू काका वाज टू स्टे फॉर, आपके पास ऑप्शंस है 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 और 3 डेज। यानी वो दिल्ली जो आए थे वो कितने दिनों के लिए आए थे, कितना दिन उसको ठहरना था? 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 और 3 डेज, ये अक्सर पूछा भी जाता है बोर्ड में प्लस टू में, और इसका राइट आंसर है 2 और 3 डेज। ओके लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नानू काका ओपन हिज डॉट डॉट स्नप बॉक्स एंड टुक अ पिंच, यानी वो जो खैनी लेते थे चुटकी किससे लेते थे, किस चीज का बना हुआ था वो? आपके पास ऑप्शंस है सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम। उसका जो स्नप बॉक्स था चांदी से बना हुआ था या गोल्ड से या फिर एल्युमिनियम से? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका करेक्ट आंसर है सिल्वर। ओके लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक, आपके पास ऑप्शन है 5,000 रुपीज, 500 रुपीज और 1,000 रुपीज, और मतलब यहाँ पे 1, और इसका करेक्ट आंसर है 1,000 रुपीज, यानी 1,000 का चेक लिख के उन्होंने दिया था। ओके लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन, जब नानू काका आए थे अपनी बहन के, उसे कहाँ ठहराया गया था? आपके पास 3 ऑप्शन है, द गेस्ट रूम, द ड्राइंग रूम, ऑथर्स रूम, और राइट आंसर इसका है ऑथर्स रूम, यानी जिस रूम में लेखक रहते थे वहीं उसे जगह मिली थी रहने के लिए। जैसा कि मैंने पिछला क्वेश्चन में बता दिया, वो 2-3 दिन के लिए ही सिर्फ आए थे। ओके लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। हुज इंसिस्टेंस ऑथर हैड टेकन 2 डेज लीव फ्रॉम द ऑफिस, यानी किसके आग्रह करने पर ऑथर को 2-3 दिन की छुट्टी लेना पड़ा था ऑफिस से? आपके पास ऑप्शन है एट नानू काका'स इंसिस्टेंस, मदर्स इंसिस्टेंस, फ्रेंड्स इंसिस्टेंस, और इसका सही आंसर है मदर्स इंसिस्टेंस। माँ के आग्रह करने पर ऑथर ने छुट्टी लिया था कि तुम्हारे मामा आ रहे हैं इसलिए 2-3 दिन की छुट्टी ले लो। तो उन्होंने कितने दिन का छुट्टी लिया था? 2 डेज लीव फ्रॉम द ऑफिस। ओके लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम वाज, यानी सोहनलाल रतिराम का बेटा का नाम क्या था? आपके पास 3 ऑप्शंस है, श्याम, राम, रतिराम, और इसका राइट आंसर है रतिराम। ओके लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। सोहनलाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस इन, आपके पास ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, और इसका राइट आंसर है दिल्ली। वो दिल्ली के क्या था, पार्टी बॉस थे सोहनलाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस इन दिल्ली। ओके लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नानू काकाज मीटिंग विथ सोहनलाल रतिराम वाज, यानी नानू काकाज की जो मीटिंग थी सोहनलाल रतिराम से कैसा रहा वो? अनसक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल, पोस्टपोन, सफल रहा या असफल रहा या फिर स्थगित कर दिया गया? और इसका राइट आंसर है वेरी सक्सेसफुल। ओके लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यू रोल नानू काका गेव द नरेटर वाज ऑफ, आपके पास ऑप्शंस है ड्राइवर, और ड्राइवर को दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? शोफर पढ़ते हैं, ये जो है ना CHAUFFEUR, ये चौफियर ना पढ़े इसको, क्या पढ़ते हैं इसको? शोफर पढ़ते हैं। शोफर का मतलब होता है प्राइवेट ड्राइवर, निजी ड्राइवर। उसके बाद क्या है? वॉचमैन, बॉडीगार्ड। कौन सा नया रोल दिया गया था ऑथर को? किसके द्वारा? नानू काका के द्वारा। क्या लगता है आपको कौन सा इसका राइट आंसर है? ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्राइवर यानी शोफर।
ओके लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. नानू काका मैनेज टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर बाय डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, यानी क्या चीज दिखा करके सिक्का ऑटो डीलर को इंप्रेस करने में कामयाब रहा. आपके पास तीन ऑप्शंस है, हेल्थ वेल्थ पर्सनालिटी, और इसका राइट आंसर है वेल्थ, ऑप्शन नंबर बी. ओके लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. नानू काका टोल्ड टेक मी टू द महाराजा सुटकटाज पैलेस टू रिटर्न द, नानू काका ने क्या कहा था कि मुझे ले चलो किसके, महाराजा सुटकटाज के महल में मुझे रिटर्न करना है. क्या रिटर्न करना है? आपके पास तीन ऑप्शंस है, डायमंड, हॉरोस्कोप्स, खार, और इसका राइट आंसर है हॉरोस्कोप्स यानी कुंडली. हॉरोस्कोप का मतलब क्या होता है? कुंडली. ओके लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, आपके पास तीन ऑप्शंस है, स्टोरीज, ट्रूथ्स, लाइज, यानी नानू काका के पास एक यूनिक क्वालिटी था क्या करने का, झूठ बोलने का. तो इसलिए राइट आंसर क्या है? लाइज, ऑप्शन नंबर सी. ओके लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. नानू काका वॉज अ वेरी डॉट मैन, वो किस तरह के इंसान थे? स्टूपिड, ऑनेस्ट, क्लेवर, क्या लगता है आपको? आई होप आप समझ गए होंगे कि वो किस तरह के इंसान थे. इसका राइट आंसर है क्लेवर, बहुत चालाक किस्म के इंसान थे. नानू काका वॉज अ वेरी क्लेवर मैन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर. ओके लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1,000 rupees टू अ, जो 1,000 का चेक काट के जो दिए थे नानू काका, किसको दिए थे वो? आपके पास तीन ऑप्शंस है, गोल्ड स्मिथ, धोबी, बार्बर, सुनार को, धोबी को, या फिर हज्जाम को, यानी नाई, बार्बर, और इसका राइट आंसर है धोबी, यानी वॉशरमैन बोलते हैं इसको इंग्लिश में. ओके लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रिंसेस वॉज रिटन बाय, ये जो द प्रिंसेस है ये किसके द्वारा लिखा गया है? शिगानोया, जर्मेन ग्रियर, मनोहर मालगांवकर, ये भी इसी चैप्टर से रिलेटेड है, अ पिंच ऑफ स्नफ से. इसका राइट आंसर है मनोहर मालगांवकर. ओके लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस. बॉम्बे बिहेवियर वाज रिटन बाय, ये जो बॉम्बे बिहेवियर है, पहले चीज बता दूं, पहले मुंबई का जो नाम था ना बॉम्बे था, मतलब बॉम्बे बिहेवियर मतलब बॉम्बे को सावधान हो जाओ. इसको किसने लिखा है? आपके पास तीन ऑप्शन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मनोहर मालगांवकर, शिगानोया. जैसे कि आप जानते हैं ये किसमें लिखा वो दिया हुआ है, अ पिंच ऑफ स्नफ स्टोरी में, इसलिए आप क्या है, बिल्कुल सही है. इसका राइट आंसर क्या है? मनोहर मालगांवकर. ओके लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. हु सेड देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, किसने कहा ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है? आपके पास ऑप्शंस है, सोहनलाल लतीराम, मनोहर मालगांवकर, नानू काका, क्या लगता है आपको? इसका राइट आंसर है नानू काका. भले वो इसमें बहुत झूठ बोले हैं, अलग बात इस कहानी में, लेकिन उसने क्या कहा, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी. ओके लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली बाय, वो जो दिल्ली आ रहे थे नानू काका, किसके द्वारा आ रहे थे? आपके पास तीन ऑप्शंस है, बस, ट्रेन, एरोप्लेन. इसका राइट आंसर है ट्रेन. नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली बाय ट्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नानू काका ट्रेवल्ड इन द सेकेंड क्लास, द थर्ड क्लास, द एसी, कौन से क्लास में वो सफर किए ट्रेन में? क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? यदि आप बुक का रीडिंग मारे हैं तो आई होप आप बता सकते हैं.
चलिए मैं बता देता हूँ आपको, इसका राइट आंसर है द सेकेंड क्लास। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, उसके पास टिकट था जो था ना, थर्ड क्लास का टिकट था, लेकिन उन्होंने सफर किस में किया? सेकेंड क्लास में, क्योंकि थर्ड क्लास में काफी भीड़ थी, जिसके वजह से उन्होंने टीटी को कुछ मैनेज करके अपने बातों से जैसे भी हो उन्होंने क्या किया, सेकेंड क्लास में अपना जर्नी पूरा किया, ताकि सफर में सफरिंग ना हो। ओके, लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेसन, अ पिंच ऑफ स्नफ। ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर, यानी प्लेटफॉर्म में नानू काका ऑथर को हाथ के में क्या थमाया, नानू काका ने ऑथर के हाथ में प्लेटफॉर्म में क्या थमाया? आपके पास ऑप्शंस है, अ बैग, अ बॉक्स, अ बास्केट, और इसका राइट आंसर है अ बास्केट। चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन 50 मार्क्स का पूछा जाता है 12th क्लास के बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, और अपना प्रैक्टिस आप जारी रखें, फिर इस तरह का मैं वीडियो अभी और भी बनाता रहूँगा। मेरा जो टारगेट है कि मैं प्रोज और पोएट्री और प्लस लिटरेचर, ये तीनों चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, और आने वाले टाइम में क्या होगा कि इसमें मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें प्रोवाइड करूँगा इस चैनल के माध्यम से, और आप लोग आसानी से अपनी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। आज के इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।